जब भी कोई स्टडी की हम बात करते हैं तो वो ऐसे मोड पे रहे कि उसके रिजल्ट्स एनालाइजेबल रहे, उसका हम जनरलाइज कर पाए, यानी उसके आधार पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये बोल सके, उसी वक्त हम ये बोलने के पोजीशन में रहेंगे। एक इसलिए मैं अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो मैंने पहले बताया था, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लंबा रहना चाहिए। अगर वो न रहा तो मेरे कंक्लूजन्स गलत आ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देके बोलता हूं कि समझ लीजिए मैंने ये स्टडी सिर्फ 5 दिन किया और 5 दिन में बीमारी लगने का चांस कम होगा, मैंने 15 दिन अगर ड्यूरेशन रखता था तो मुझे क्या लगेगा, ये दवा जो है ना ये बहुत असरकारक है, लेकिन ये कितना सही होगा ये मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो समझ में आ जाएगा। एक मन में से निकालना बहुत जरूरी है, ये प्रोफिलैक्सिस की दवा करके हम देख रहे हैं, अभी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी करके देख नहीं रहे हैं, तो हमको इसका उपयोग जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स में करना है ये स्टडी के अंतर्गत, या जो लैब कंफर्म्ड केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें ही करना है। ये पैनिक जो फैल चुका है इसमें अक्सर ये दिखाई देता है कि हम थोड़ा रीजनिंग जो होता है, हमारी सोच जो होती है थोड़ी इमोशनल बन जाती है, हम ये सोचते हैं कि मैं भी खा लूँ तो अच्छा होगा, ये टालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास उतना एविडेंस नहीं आएगा हम आम लोगों को ये दवा देने लेने के लिए हम न बोलेंगे, न उनको ये लेना उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी दवा जो रहती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर को मालूम होते हैं किसको देना चाहिए कैसे देना चाहिए, इसका तो हमने कभी रिकमेंडेशन नहीं किया अभी।